गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात, नमो नमः। आज हम संस्कृत का पाठ 4 धातु क्रिया परिचय पढ़ेंगे। धातु अर्थात क्रिया, क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो कि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, और उन वाक्यों को बोलने से या उन कार्यों को करने से यदि पता चल रहा है कि उसमें काम क्या हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि। कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं कि राम पढ़ता है, तो राम आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा है संज्ञा और सर्वनाम। तो राम से पता चल गया आपको कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम होने के कारण राम संज्ञा है। आगे क्या है, राम पढ़ता है। तो पढ़ता है, पढ़कर हमें पता चलता है या सुनकर पता चलता है कि राम कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है। तो वहाँ पर पढ़ता है क्रिया है, वो क्रिया है हिंदी की। और उसी क्रिया को यदि हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उसको हम धातु कहेंगे। इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे गम, पट, लिख, खाद आदि। धातुओं के रूप पुरुष, वचन, काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों पुरुषों के 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। धातुओं से क्रियापद बनाना अत्यंत सरल है। सूत्र कैसे बनाएंगे हम धातु से क्रियापद, धातु प्लस प्रत्यय प्लस क्रियापद। कि किसी भी धातु में यदि हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्रियापद बन जाएगा। जैसे गम धातु है, गम एक अपरिवर्तनीय धातु होती है, तो हम गम की जगह पट लेते हैं, पट धातु है। पट में यदि मैं ती प्रत्यय जोड़ूं, अति प्रत्यय, तो शब्द बनता है पठती, शब्द बनता है पठती। इसका मूल रूप है पट, जो कि धातु है, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा अति, दोनों को जब जोड़ के शब्द बनाया तो बना पठती। उदाहरण, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यदि ये सारे प्रत्यय होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। यदि प्रथम पुरुष बनाना है और उसके साथ प्रत्यय जोड़ना है, तो एक वचन में प्रत्यय जोड़ता है अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति। ये सारे प्रत्यय कौन से लकार के हैं, लट लकार के। कौन से लकार के हैं, लट लकार के। मध्यम पुरुष में यदि जोड़ते हैं तो असी, अथ, अथ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। कि यदि हम कोई वाक्य बना रहे हैं तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है, क्रिया की। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता। जैसे मैंने बोला कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम संज्ञा है, पढ़ता क्रिया है। मैं राम की जगह दूसरा शब्द लिख सकती हूँ, सर्वनाम, जैसे वह पढ़ता है। लेकिन क्रिया की जगह दूसरी क्रिया ही आ सकती है, दूसरा और कोई शब्द नहीं आएगा। कि संज्ञा काम में ले ली, सर्वनाम ले लिया, वैसे कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए बिना क्रिया के वाक्य रचना का निर्माण नहीं हो सकता। कार्य करने वाले को कर्ता, और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कि वाक्य में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे कर्ता, और जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा शब्द व सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। अभी तक पीछे के पाठ जो हमने पढ़े हैं उनमें हमने संज्ञा व सर्वनाम पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये हिंदी में है और ये इनका संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालक है, बालक खाता है।
तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? बालक। यहाँ काम कौन कर रहा है? बालक। और काम क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कि बालक खाता है। तो बालक एक वचन है पुल्लिंग का, इसलिए बालक है। और खाता है, संस्कृत में खाता है की धातु चलती है खाद, और खाद का अर्थ होता है खाना। एक वचन के लिए प्रथम पुरुष का हो जाएगा खादती। बालक है, खादती। बालक खाता है। वह पढ़ता है। वह सर्वनाम है, पढ़ता है क्रिया है। वह पुल्लिंग का है इसलिए सह, और पढ़ता है पढ़ती। सह पढ़ती, वह पढ़ता है। वे सब खेलते हैं। वे सब पुल्लिंग के हैं। तो एक वचन में सह, द्विवचन में तव, बहुवचन में ते। सह वे सब के लिए हो गया, ते खेलते हैं के लिए हो गया खेलंती। वे सब खेलते हैं, ते खेलंती। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि इन वाक्यों में जो ये लाइन खींची हुई है, ये रेखांकित शब्द है। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं, जिनमें धातु, इन सब में धातु कौन सी है? इसमें धातु है खाद, इसमें धातु है पट, और इसमें धातु है खेल आदि का प्रयोग किया गया है। धातु दो प्रकार की होती है। संस्कृत में धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और परिवर्तनीय का अर्थ होता है जिनमें परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है, कि जैसे बोल रहे हैं वैसे ही उनका यदि प्रयोग हो रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे? अपरिवर्तनीय, कि जैसे बोला वैसे ही प्रयोग में लिया। यथा पट, भ्रम, नम, लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि। ये सभी धातुएं अपरिवर्तनीय होती है। इनका यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो इनको जैसे बोलते हैं, जैसे ही अपने मूल रूप में है, वैसे ही वाक्य में भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे पट धातु का यदि उदाहरण लेते हैं, तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। यदि उदाहरण लेते हैं पट धातु का, तो राम पढ़ता है। यहाँ पट पढ़ता है, इसके लिए धातु आएगी पठ, और पठ में परिवर्तन नहीं होने के कारण पठती। ठीक है, आगे है, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है, उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहा जाता है। जैसे यथा का अर्थ होता है जैसे, पा पीब में प्रयोग की जाती है, पा का अर्थ होता है पीना, गम जाना, भू का अर्थ होता है होना, भव धातु, स्था का अर्थ होता है बैठना या ठहरना, तिष्ठ, दृश धातु को पश्य में प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है देखना, घ्रा को, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना, जिसका प्रयोग यदि हम वाक्य में करेंगे तो जिघ्र धातु बनेगी। संस्कृत में क्रिया के तीन पुरुष और तीन वचन होते हैं। संस्कृत में क्रिया के तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन होते हैं। काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। काल को संस्कृत में जैसे हिंदी में काल कहते हैं, वैसे ही संस्कृत में यदि काल क्या, काल के लिए कोई शब्द यूज में लेंगे, प्रयोग में लेंगे, तो उसे लकार कहेंगे। मूल धातु के साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मूल धातु के साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन से पुरुष में? प्रथम पुरुष में। कौन से पुरुष में? प्रथम पुरुष में। कर्ति, कर्तृ प्लस क्रिया, पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह पठती, वह पढ़ता है। ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये प्रथम पुरुष के हैं, ये मध्यम पुरुष के हैं, और ये उत्तम पुरुष के हैं। सह पठती, वह पढ़ता है। तव पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में, इससे पहले के चैप्टर में बताया था कि मध्यम पुरुष में तीन ही शब्द आते हैं, त्वम, युवाम, युयम। उत्तम पुरुष में भी उसी प्रकार से तीन ही शब्द आते हैं, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, युयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष,
जो स्वयं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह है, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष लट लकार, लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और संस्कृत में इसको लट लकार कहते हैं। बालह पठती, बालह का अर्थ होता है बालक या बच्चा, पठती पढ़ता है, बालक पढ़ता है। बालकौ हस्त है, दो बालक हंसते हैं। बालका क्रीडंती, बहुत सारे बालक खेलते हैं। बालह बालकौ बालका, ये तीनों शब्द संज्ञा है, इनकी जगह सर्वनाम प्रयोग में लेंगे तो बालह के लिए हो जाएगा सह पढ़ती, वह पढ़ता है। तौ हस्त, वे दोनों हंसते हैं। ते क्रीडंती, वे सब खेलते हैं। ऊपर लिखित रेखांकित अर्थात रंगीन क्रिया शब्दों को ध्यान से देखें समझें। जिनके नीचे रेखा बनाई गई है, लाइन खींची गई है, उन शब्दों को ध्यान से देखें और उनको समझें। पठती का अर्थ होता है पढ़ना, हस्ती का अर्थ होता है हंसना, क्रीडती का अर्थ होता है खेलना। बालिका खादती, बालिका खाती है अर्थात एक बालिका खाती है। खादती क्रिया है, बालिका संज्ञा है। बालिके गायत है, दो बालिकाएं गाती है। गायत है क्रिया है, बालिके संज्ञा है। बालिका नृत्यंती, बहुत सारी बालिकाएं नाचती हैं। नृत्यंती क्रिया है। और बालिका बालिके बालिका, ये तीनों शब्द संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर यदि हम काम में लेंगे अलग शब्द तो वो होंगे सर्वनाम, और बालिका की जगह सर्वनाम आ जाएगा। सा खादती, वह खाती है। बालिके गायत है, ते गायत है, वे दोनों गाती हैं। बालिका नृत्यंती, बालिका की जगह ता और नृत्यंती क्रिया सेम आ जाएगी। ता नृत्यंती, वे सभी नाचती हैं। कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप निम्नलिखित है। लिख का अर्थ होता है लिखना, हस का अर्थ होता है हंसना, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, गम का अर्थ होता है जाना, दृश का अर्थ होता है देखना, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, भू का अर्थ होता है होना और वध का अर्थ होता है बोलना। ये सभी उनके एकवचन के, द्विवचन के और बहुवचन के रूप दिए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।